हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को जो एल्गोरिथम बताने वाला हूँ, आज अगर आप ये वीडियो देख लिया ना 110% के साथ मैं बता सकता हूँ आप रिवी क्यूब सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले जो मैं बोलूंगा, कोई भी एक कलर चूज करो, कोई भी एक कलर। जैसे मैंने व्हाइट चूज किया, अभी व्हाइट टॉप में रखा है मैंने, तो व्हाइट का नीचे कौन सा कलर है एक बार देख लेते हैं। व्हाइट का नीचे कौन सा कलर है? व्हाइट का नीचे है येलो कलर। तो अभी ऊपर क्या है हम लोग का? व्हाइट है, नीचे क्या है? येलो है। तो हम लोग का येलो जो मिडिल क्यूब, ठीक है, साइड मिडिल क्यूब, ये बोला, ये साइड मिडिल क्यूब को हम लोग को ऊपर लाना है, चारों का चारों ऊपर लाना है। ठीक है, देखो ऑलरेडी दो आ गया, और दो कहाँ पे ढूंढ के ऊपर लाना है। ठीक है, ऊपर लाने के बाद हम लोग ये पूरा का पूरा, मैं बता, आगे देखते रहो पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ऊपर लाने के बाद, और एक कहाँ, ये देखो अब ये चारों आ गया ना। चारों आने के बाद क्या हुआ, अभी देखो यहाँ पे येलो है, ठीक है, ऊपर येलो है, येलो का साइड में क्या है? ब्लू है। तो ब्लू कलर के साथ हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, ब्लू मिडिल के साथ एडजस्ट करने के बाद हम लोग को इसको पूरा का पूरा नीचे डाल देगा। ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा येलो के साथ एडजस्ट कर दिया। देखो ये ऑलरेडी एडजस्ट है, तो इसको भी नीचे डाल देंगे। अभी ये क्या है, ऑरेंज है यहाँ पे, ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज मिडिल के साथ एडजस्ट करके इसको नीचे डाल देंगे। यहाँ पे क्या है, ग्रीन है, तो ग्रीन के साथ एडजस्ट करके नीचे डाल दिया। देखो यहाँ पे प्लस बन गया, ये प्लस बनना ही पड़ेगा, जब तक प्लस नहीं बनेगा तब तक रिवी क्यूब सॉल्व नहीं होगा। देखो प्लस बनने के बाद यहाँ पे देखो पूरा का पूरा मिडिल क्यूब के साथ एडजस्ट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग को कॉर्नर क्यूब को सॉल्व करना है, कॉर्नर क्यूब, ये चारों कॉर्नर क्यूब को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको नीचे डाल देंगे येलो को। अभी कॉर्नर क्यूब जो है, कॉर्नर जिसमें व्हाइट नहीं है वो वाला हम लोग लाएंगे। देखिए यहाँ पे रेड है, येलो है, क्या यहाँ पे ग्रीन है, तो येलो ग्रीन और रेड कौन सा कॉर्नर पे लगेगा? इस कॉर्नर पे लगेगा। हम लोग इसको एक फॉर्मूला यूज करेगा, एक बार ऊपर, एक बार बाएं, एक बार नीचे, एक बार दाएं तरफ, ऊपर बाएं नीचे दाएं। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम लोग का ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप लोग को 1 2 3 4 ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, 3 पे मत रुकना, 4 पे ही रुकना। जैसे ये कॉर्नर इधर लगेगा, रेड है, ब्लू है, और ऊपर क्या है, देखो ये नीचे तो येलो हो गई। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 इसको यूज करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जब तक ना मिले 1 2 3 4 ये फॉर्मूला यूज करते रहो। देखो ये कॉर्नर भी सॉल्व हो गया, अभी ये कॉर्नर इधर सॉल्व होगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो ये भी सॉल्व हो गया पूरा का पूरा। देखो फर्स्ट लेयर हम लोग का सॉल्व हो गया, सॉल्व होने के साथ मिडिल लेयर भी सॉल्व हो गया ना, मिडिल। अभी हम लोग को ये साइड कॉर्नर, साइड मिडिल कॉर्नर सॉल्व करना है। ठीक है, साइड मिडिल कॉर्नर, तो क्या करेंगे, अगर हम लोग रेड लेते हैं, देखो रेड है, ऊपर क्या है, ग्रीन है, तो नीचे क्या है, रेड है, ऊपर क्या है, ग्रीन है, तो हम लोग रेड के साथ एडजस्ट करेगा। देखो रेड एडजस्ट किया, अभी ग्रीन कौन सा साइड पे है, ग्रीन है हम लोग का लेफ्ट साइड में। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में होगा तो हम इसको राइट साइड में लेंगे, राइट साइड में लेना है। ठीक है, कैसे फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये देख लो। ठीक है, जो रेड के साइड जो एडजस्ट था, राइट साइड में लेने के बाद ये देखो ऊपर क्या है, हम लोग का ब्लू है, ब्लू हम लोग का लेफ्ट साइड में, तो क्या करेंगे इसको एक बार दाएं तरफ खिसक देंगे। ठीक है, फिर जो मेरा लेफ्ट साइड का लेयर है उसको ऊपर, फिर दाएं, फिर नीचे, फिर बाएं तरफ खिसक देंगे, ऐसे करके। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, हाँ एक बार फिर से देख लो, जब आपको समझने में आसान हो जाए। रेड के साथ यहाँ पे है, ऊपर क्या है हम लोग का, ब्लू है, तो ब्लू कौन सा साइड पे है, ब्लू है हम लोग का लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में होगा तो राइट साइड में। टॉप लेयर को एक बार दाएं तरफ देंगे, ठीक है, फिर बाएं तरफ का लेयर को ऊपर लेंगे एक बार, फिर टॉप लेयर को दाएं तरफ, फिर नीचे, फिर दाएं तरफ, देख लो एक बार अच्छे से देख लो, देखने में, देखने से आपको पता चल जाएगा। ऐसा करने के बाद फिर इसको एक बार घुमा देंगे, ब्लू को सामने, ग्रीन को सामने लाएंगे, ग्रीन को सामने लाने के बाद दाएं तरफ को ऊपर, फिर बाएं नीचे, देख लो एक बार अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर से दूसरा पकड़, क्योंकि पूरा ही सॉल्व करना है। जैसे रेड के साथ एडजस्ट किया, ऊपर कौन सा कलर है, ऊपर है हम लोग का ब्लू, तो ब्लू कौन सा साइड में है हम लोग का, ब्लू है हम लोग का लेफ्ट राइट साइड में। अगर राइट साइड में होगा तो हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में हम लोग को उसको एक बार मूव करना पड़ेगा, टॉप लेयर को एक बार मूव किया, टॉप लेयर को राइट लेफ्ट साइड में। फिर देखो कैसे कर रहा हूँ, ऐसा करने के बाद आपको फिर ब्लू को सामने लाना है, फिर वापस वही फॉर्मूला यूज करो, देखो सॉल्व हो जाएगा। ऐसा करके सारा का सारा सॉल्व कर लेना है।
यहाँ पे क्या है, ग्रीन है, ऊपर क्या येलो है, तो येलो कौन सा साइड पे है हम लोग का, येलो है हम लोग का, इस सॉरी ऑरेंज है ना, ऑरेंज 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 को भी येलो की तरह दिख रहा है। देखो ये पूरा का पूरा सेकंड लेयर भी सॉल्व हो गया, अभी हम लोग का टॉप लेयर को सॉल्व करना है। तो टॉप लेयर हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, हम लोग को यहाँ पे भी प्लस बनाना है, ठीक है। कैसे प्लस बनाएंगे, ये जो है ना हम लोग का ये फर्स्ट लेयर तो नहीं, ये हम लोग का मतलब मेरे तरफ है, ठीक है। ऐसे करके पकड़ोगे तो ये फर्स्ट लेयर होगा ना, ऐसे करके, तो कोई भी कलर देखो ऐसे उसको एक बार दाएं तरफ ऐसे करके घुमाना है, दाएं तरफ घुमाना है, ठीक है। दाएं तरफ घुमाने के बाद एक तो फिर से एक बार दिखा देता हूँ, दाएं तरफ घुमाया मैं, एक बार कर लेता हूँ फिर आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है, जो आपको समझना आसान हो। देखे उल्टा उल्टा हो गया ये, ठीक है। ऐसा करोगे तो उल्टा उल्टा हो जाएगा, कोई भी एक फॉर्मूला अगर गलती किया तो उल्टा उल्टा हो गया तो फिर पूरा का पूरा ही बिगड़ जाएगा। मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ फिर से आपको बोलता हूँ। देखो ये हो गया, देखो यहाँ पे प्लस बन गया, मैंने कुछ भी किया प्लस बन गया अभी, ठीक है। देखो प्लस नहीं बना, अभी हम लोग को प्लस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएगा दिखा देता हूँ, ये देखो। तो हम लोग कोई भी एक कलर चूज करो, हम लोग को फर्स्ट जो है इसको एक बार दाएं तरफ मूव करेंगे, ऐसा करके पूरा एक बार दाएं तरफ मूव किया, ठीक है। दाएं तरफ मूव करने के बाद फिर वापस लाना है, कैसे फिर से दिखा देता हूँ एक बार। देखो एक बार घुमाना ऐसा करके, एक बार घुमाया फिर जो राइट साइड से क्यूब को ऊपर लिया, बाएं तरफ लिया, नीचे लिया, फिर उसको वापस दाएं तरफ खिसक दिया, ठीक है। अभी इसको फिर मूव करना है, फिर वापस लाना है, ऐसा करके देख लो, ऐसा करके वापस लाना है, ठीक है। लाने से आप लोग का रिव्यू क्यूब सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा ये देखो, ऊपर बाएं नीचे फिर दाएं फिर वापस लाना है इसको, ऐसा करके वापस डाल देना है, ठीक है। ऐसा करोगे तो इधर ऊपर प्लस बन जाएगा। देखो अभी ये हो गया, अभी इसको प्लस, देखो अभी प्लस बन जाएगा, ऐसा करते रहना है। देखो प्लस बन गया, ठीक है। प्लस बनने के बाद हम लोग को कोई भी दो कलर के साथ मिडिल, जो मिडिल क्यूब है उसको एडजस्ट करना है। देखो ऐसे करके यहाँ पे ब्लू के साथ एडजस्ट हो गया, सॉरी नहीं, ग्रीन के साथ और ऑरेंज के साथ, देखो टू कलर एडजस्ट हुआ है, ठीक है, लग चुका है, और टू कलर नहीं हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जो टू कलर ऐड हुआ है मतलब एडजस्ट हो गया, तो उसको हम लोग पीछे रखेंगे। देखो ऐसा करके, देखो ऐसा करके आप लोग को घुमा घुमा के देखना है जो कौन सा दो कलर एडजस्ट हुआ है। देखो ये दो कलर एडजस्ट हुआ है तो हम लोग उसको पीछे रखा है, अभी बाकी जो है दो नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, राइट साइड से एक बार ऊपर लेंगे, फिर टॉप लेयर को दो बार बाई तरफ मूव करेंगे, देख लो एक बार हो गया, दो बार हो गया, फिर इसको नीचे ला देंगे, जो राइट साइड का क्यूब है नीचे लाया, फिर इसको वापस ऊपर टॉप लेयर को दाएं तरफ घुमा दिया, फिर इसको ऊपर, फिर ऊपर, देखो ये सॉल्व हो गया, और बाकी जितना भी मिडिल क्यूब है सब एडजस्ट हो गया। अभी सिर्फ कॉर्नर क्यूब को सॉल्व करना है। कॉर्नर क्यूब सॉल्व करना बहुत ही आसान है, एक बार देख लोगे तो पता चल जाएगा। मैं फिर से बिगाड़ लेता हूँ, फिर से एक बार बोल देता हूँ आप लोग को, देखो अभी दो कलर एडजस्ट हुआ, एक बार ऊपर लिया, दो बार बाई तरफ करेगा, फिर इसको नीचे राइट क्यूब को, फिर एक बार दाई तरफ टॉप लेयर को वापस डाल दिया। देखो पूरा का पूरा क्यूब ही मिडिल क्यूब सॉल्व हो गया। अभी सिर्फ कॉर्नर क्यूब को सॉल्व करना है। कॉर्नर क्यूब को सॉल्व करने से पहले आप लोग को देखना है कौन सा कॉर्नर तीनों कलर के साथ है कौन सा कॉर्नर। देखो यहाँ पे ये कॉर्नर, देखो ये देखो कौन सा कॉर्नर, ए कॉर्नर नहीं होगा, ये कॉर्नर भी नहीं होगा, ये कॉर्नर नहीं होगा, देख लो यहाँ पे क्या ऑरेंज है, ब्लू है, ऊपर क्या व्हाइट है, ये नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा देखेगा, ऊपर व्हाइट है, यहाँ पे ब्लू है, बट इधर ऑरेंज है, बट यहाँ पे रेड भी होना चाहिए था, तब जाके ये कॉर्नर हो जाता। तो दूसरा देख लेते हैं, ये भी नहीं होगा, ये देखो ये देखो यहाँ पे ऑरेंज है, ब्लू है, व्हाइट है, इसको अगर हम लोग ऐसा करके घुमा देंगे तो इधर ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसा करके ये देखो, अगर ऐसा करके घुमा दिया हम लोग तो ये सॉल्व हो जाएगा, बट हम लोग को क्या है रूल से सॉल्व करना है, रूल से, ऐसा नहीं रूल से सॉल्व करना है, घुमा के नहीं सॉल्व करना है। तो
तो ठीक है, ऐसा हो गया। ऐसा अगर आपको मिल जाए एक कॉर्नर, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे कैसा फॉर्मूला एक बार देख लो, हम लोग को ये लाया अभी लेफ्ट साइड से एक बार फर्स्ट लेयर को, मतलब वो टॉप लेयर को दाएं तरफ मूव करेगा। दाएं तरफ मूव किया, ठीक है, फिर से देखो एक बार, दाएं तरफ मूव किया। दाएं तरफ मूव करने के बाद ये जो लेफ्ट लेयर है ना, लेफ्ट साइड का लेफ्ट लेयर को क्या करेगा, एक बार ऊपर लेंगे, ठीक है। एक बार ऊपर लिया, देखो फिर से दिखा देता हूँ, एक बार बाई तरफ दिया टॉप लेयर, सॉरी दाई तरफ दिया टॉप लेयर को, एक बार दाई तरफ दिया, लेफ्ट लेयर को एक बार ऊपर लिया, फिर टॉप लेयर को दाई तरफ एक बार घुमाया, फिर राइट लेयर को जो है एक बार ऊपर लिया, फिर टॉप लेयर को दाई तरफ, तो ये सॉल्व हो जाएगा। फिर वापस ये भी सॉल्व कर देंगे, तो देखो इस पूरा का पूरा ही देखो सॉल्व कॉर्नर एडजस्ट हो गया, सिर्फ घुमाने से ही हो जाएगा। देखो ये भी घुमाने से हो जाएगा, ये भी घुमाने से ही हो जाएगा, बट हम लोग को रूल्स यूज करना है, ठीक है। अभी इसको हम लोग नीचे डाल देंगे, पूरा का पूरा नीचे डाल देंगे, ठीक है। ऊपर क्या आया, वहाँ ऊपर आ गया हम लोग का येलो। तो इधर एक फॉर्मूला यूज करना है, वही फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने फर्स्ट में बोला था। कौन सा फॉर्मूला, एक बार देख लो, एक बार ऊपर बाएं नीचे फिर दाएं, ठीक है, ऐसा करके ऊपर बाएं नीचे दाएं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो ये सॉल्व हो गया, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। बट आप लोग को 4 में ही रुकना है, जैसे ये सॉल्व हो गया ना, इसको वापस जहां से स्टार्ट किया था उधर ही लाना है आपको, जो क्यूब को सॉल्व नहीं है, जो कॉर्नर सॉल्व नहीं है, एक लाने के बाद एक बार ऊपर बाएं नीचे दाएं, देखो 1 2 3 4, ये फॉर्मूला यूज करना है। 3 पे मत रुकना, 4 पे ही रुकना। लाए फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो ये भी सॉल्व हो गया। अभी लास्ट कॉर्नर की ऊपर देखो, इसको सामने लाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो फाइनली देखो रिव्यू क्यूब सॉल्व हो गया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेगी। थैंक यू।